नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक अगस्त के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है सुबह दोपहर 12:32 से लेकर 12:56 तक, और अशुभ काल, जिसे हम राहु काल भी कहते हैं, वो है शाम 4:30 से लेकर शाम 6 बजे तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा संपूर्ण दिन धनु राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा हर्षल के साथ नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आज का जो आपका दिन है, बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। मतलब पिछले करीबन 2-3 दिनों से आपने देखा होगा कि बहुत से जो काम है वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से हो रही है। इसी प्रकार उसी को मद्देनजर रखते हुए आज आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और थोड़ा और आगे आप बढ़ पाओगे, जिसकी वजह से और जो बड़ा काम आपके अगर नज़र में है, अगर आप उसके बारे में सोच रहे, कुछ प्लानिंग आपके मन में चल रही थी, तो उसके बारे में आज आप कुछ काम कर सकते हो। आज के दिन किसी बड़े यात्रा पर या फिर सफ़र पर भी आप निकल सकते हो, लेकिन एक बात तो तय है कि आज के दिन आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो काफ़ी अच्छा और मतलब बहुत ही स्ट्रांग देखा जाएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो पिछले 3-4 दिनों में आपने जो भी काम किया था, आपने जो भी मेहनत की थी आपके करियर के बारे में, उसके संदर्भ में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। उसी प्रकार आज के दिन आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ, अब इसमें वो सक्सेस वाले जो मैंने अभी बात की वो भी हो सकती है, तो अनएक्सपेक्टेड लाभ भी आज आपको मिल सकते हैं। अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो इन लॉज होंगे, आपके जो ससुराल के जो लोग होंगे, उनसे भी आज आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। तो दिन काफ़ी अच्छा है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो अभी तक अगर आपने किसी विषय पर अगर काम किया है और उसके बारे में सोच रहे थे, उसके सक्सेस के बारे में अगर आप सोच रहे, तो वो सक्सेस आज आपको मिल जाएगा या फिर उसके संदर्भ में कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है, जिसकी वजह से आपका जो मूड है वो काफ़ी अच्छा बना रहेगा। पूरा जो दिन है वो पूरे दिन में आपका जो मूड है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। तो दिन बहुत ही अच्छा है, कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह भी आज आपको आ सकते हैं। अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो वैवाहिक साथीदार होंगे उनसे भी आज आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। तो दिन काफ़ी अच्छा है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण और आप ही के दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे वो आपको पूरी तरह से मददगार साबित होंगे, आपके काम की एप्रिसिएशन भी हो सकती है। लेकिन आपके सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। जो कर्क राशि के व्यक्ति नए काम के काम ढूंढ रहे हैं या फिर उसके फिराक में है, तो उनके लिए भी आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में से हर्षल के साथ चंद्रमा नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा और शुभ दिन है आपके लिए। पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा होगा कि कई जो बातें थी वो जैसे आप चाहते हो उसी प्रकार से हो रही थी, लेकिन आज का जो दिन है वो जो काम प्रत्यक्ष रूप में उसके बारे में खबर आपको मिल सकती है। तो काफ़ी अच्छा शुभ दिन आपके लिए भाग्यकारक हो सकता है। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी आपके जो अंदाजे होंगे वो सही होते हुए नजर आएंगे। तो दिन काफ़ी अच्छा है, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही का अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो घर के जो भी मामला है, जो भी उसमें कुछ प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन चल रही थी, तो आज के दिन पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। आज आप घर पर रहना पसंद करोगे, किसी भी प्रकार के स्ट्रेस या टेंशन में नहीं जाओगे और आज आपको आराम भी अच्छी तरह से मिल पाएगा। तो आज पूरी तरह से शांत रहोगे। हालांकि आपके मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, लेकिन आज का दिन पूरी तरह से अलग होगा, आप शांति फील कर सकते हो। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो जो भी आपका करियर है, अगर आप काम करते हो या फिर नौकरी करते हो, वहाँ पर कुछ नए, अगर आपने आपके सामने कुछ बातें हैं जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो या फिर कुछ नए, जैसे हम करियर के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो उसके बारे में कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है, कुछ अच्छी बातें भी हो सकती है, कुछ नए विचारों पर भी आप विचार कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से दिन बहुत ही अच्छा है। पूरा जो दिन है आपका थोड़ा सा बिजी साबित हो सकता है। अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो वैवाहिक साथीदार होंगे उनसे भी आज आपकी जो हारमोनी होगी वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी।
इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा नवपंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से होगी। अगर आप व्यवसाय करते हो तो उसके बारे में कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकती है। अगर आपने कुछ रिस्क लेके पिछले मतलब कई दिनों में कुछ रिस्क लेके काम किया है तो वो रिस्क आज आपकी मतलब 100% उसमें पॉजिटिव आपको आस्पेक्ट दिख जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो मूड होगा वो काफ़ी अच्छा और सुगमतम देखा जाएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आपके पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा नवपंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन होगा आपके लिए, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था दो तीन दिनों पहले कि आपकी जो राशि है वो धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो दिन बहुत ही अच्छा है आपके लिए, इसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के वेय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, राशि के चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ है चंद्रमा नवपंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए, खास करके आपके वैवाहिक जोड़ीदार के संदर्भ में जो भी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस रहे थे वो नॉर्मल हो जाएंगे। उनके हेल्थ इश्यूज़ भी आपको मतलब आपने देखे होंगे, उनके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम आए थे वो भी नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। घर की जो कंडीशंस है वो भी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी, घर के जो प्रॉब्लम्स है वो भी पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो दिन आपका बहुत ही अच्छा और सुंदर होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, राशि के चतुर्थ तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा नवपंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो काम के बारे में जो भी बातें हैं वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर की आपकी जो मतलब जो भी घटनाएँ हैं वो जैसे आप चाहते हो उसी प्रकार की घट जाएगी। उसी प्रकार आपको आज के दिन कुछ अच्छे लाभ भी मिल सकते हैं, अनपेक्षित लाभ जिसे हम बोलते हैं, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था उस प्रकार के लाभ आपको मिल सकते हैं। और आपके फ्रेंड सर्कल में आपके बहुत दूर के जो फ्रेंड है जिससे आपके मुलाकात नहीं थी, कई दिनों से आप उनसे बात निश्चित नहीं कर पा रहे थे, तो उनके साथ मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, जिसकी वजह से आपका जो मूड होगा वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ चंद्रमा नवपंचमी योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो शेयर मार्केट से जो मीन राशि के व्यक्ति डील करते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। जो व्यक्ति रिस्क टेकिंग मतलब मीन राशि के व्यक्ति जो रिस्क टेकिंग जो जॉब करते हैं उनके लिए भी आज का दिन काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। जो मीन राशि के व्यक्ति काम पर नहीं है या फिर अच्छे काम के फिराक में है उनके लिए भी आज का जो दिन होगा बहुत ही अच्छा होगा। लकी डे है आपका आज का दिन, उसका पूरी तरह से लाभ लीजिए। उसी प्रकार कुछ नए इन्वेस्टमेंट भी आपके द्वारा हो सकते हैं जो कि आगे जाके आपको पॉजिटिव भी लग सकते हैं। तो दोस्तों ये था दिनांक 10 अगस्त के लिए, ये था दिनांक 11 अगस्त के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।